आपके दिमाग को अगर आप शार्प करना चाहते हैं, फोकस कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं, या उम्र के साथ जो मेमोरी लॉस हो जाता है या ब्रेन डिसऑर्डर जो होता है उससे अगर बचना है, तो एक सिंपल सी चीज़ है, वो कीजिए, न्यूरोप्लास्टिसिटी को इम्प्रूव कीजिए। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? आपके ब्रेन में एक वायरिंग बन चुका है जो आप अब तक करते आए हैं। जब आप कुछ नया करते हैं, कुछ अलग करते हैं, तो माइंड एक्सपांड होता है, नए न्यूरल पाथवे कनेक्शंस नेटवर्क्स जो है वो बिल्ड होते हैं, आपके ब्रेन हेल्थ को वो और ज्यादा इंप्रूव कर देता है। वो कैसे करें? न्यूरोप्लास्टिसिटी को इंप्रूव करने के लिए नए नए लोगों से मिलिए, नई जगह को एक्सप्लोर कीजिए, नए एक्सपीरियंसेस और स्किल्स को एड ऑन कर दीजिए। ऐसी चीज सीखिए जो अब तक आप नहीं सीखे हैं। स्विमिंग नहीं आता, सीखिए। गाड़ी चलानी नहीं आती तो वो सीखिए, या आप नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, या उसी के साथ साथ इवन आप अभी जो कर रहे हैं उसको अलग से करें। अगर राइट हैंड से ब्रश कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करें, अगेन आपका माइंड एक्सपांड होगा ही होगा। या आपको जो हॉबीज अच्छी लगती है जो छोड़ चुके हैं उसे वापस शुरू कर दीजिए। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी इंप्रूव करेगा, नए न्यूरल कनेक्शंस बिल्ड होंगे, माइंड एक्सपांड होगा, ब्रेन ज्यादा शार्प होगा, ज्यादा फोकस और कंसंट्रेशन रहेगा, सिंगुलर फोकस रहेगा, और आप और ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, मेमोरी लॉस का इश्यू नहीं होगा।